हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 28 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। संडे का पेज है, संडे का आर्टिकल है, संडे का न्यूज़पेपर है, तो पहला पेज ही जो है एडिटोरियल से भरपूर आया है। दूसरा ग्राउंड रिपोर्ट है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वो है इट्स ऑल्सो अ फाइट अगेंस्ट पनिशिटिव मेजर्स। कोविड 19 जो फाइट है वो इस वायरस के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि जो पनिशिटिव मेजर्स जो लिए गए थे उनके अगेंस्ट भी एक फाइट। अब पनिशिटिव मेजर्स कौन से, ग्लोबली बात हो रही है, ग्लोबली पेंडेमिक जो हो रहा है ये, इसके लिए साधारण से जो मेजर्स हैं वो काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको गेम चेंजिंग एक्शंस चाहिए हर देश के द्वारा, ताकि ग्लोबल स्प्रेड इसका रोका जा सके। साथ ही साथ मेडिकल सप्लाईज की रिलीफ भी प्रोवाइड करवानी होगी जो बिखर गई जिंदगियां उनको रिबिल्ड करने के लिए। द ग्लोबल कम्युनिटी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइज टू द ओकेशन। ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ मिलके ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आगे उनको आना चाहिए। ये जो पेंडेमिक फैल रहा है इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है, पुअर कंट्रीज़ को। रिच कंट्रीज़ के पास ऑफ कोर्स असेट्स होते हैं, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, लॉजिस्टिक्स रिसोर्सेज होते हैं। पुअर कंट्रीज़ के पास इतना नहीं होता। वाइल द डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयर प्रोवाइड एंड देयर ग्रुप्स प्रोवाइड इकोनॉमिक पैकेजेस टू देमसेल्व्स एंड देयर पार्टनर्स, Developing countries stare into a distance with hope of handouts from the international financial institutions or some generous rituals. Developed countries और उनके groups, Russia, China, USA, UK, Germany, ये सारी जो developed countries हैं और इनके जो allies हैं, ये खुद को और अपने partners को economic packages provide करती हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो दूर खड़े देखती रहती है, दूर निगाहें टिकाती रहती है कि कोई उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, कोई उनको फाइनेंशियल हैंडआउट मिल जाए, या तो कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उनको दे दे, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, या फिर कोई रिच एलीज उनके साथ में अगर कोई है तो वो दे दे। जैसे पाकिस्तान जो है उम्मीद करेगा चाइना से या USA से, अभी तो खैर चाइना के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो चाइना जो है उनको प्रॉपर मदद दे दे। तो हर कंट्री तो चाइना के साथ नहीं जुड़ी हुई, हर कंट्री का एक रिच एली तो है नहीं, तो वो जो है दूर खड़े फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन पे निगाहें टिकाते रहते हैं। और मान लो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उनको सेक्शन लगा रखा है, बैन कर रखा है, तो फिर यही हो रहा है। इमरजेंसी में, इमरजेंसी मोड में काम करने के लिए आपको इकोनॉमिक सेक्शंस को लिफ्ट करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक सेक्शंस जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लगाए गए थे और जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ के द्वारा लगाए गए थे डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, मैनी इंटरनेशनल सेक्शंस इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस एज टेक एंड टेकन एज ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय कंट्रीज़। भाई कई ऐसे सेक्शंस हैं जो पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के द्वारा लगाए गए थे। कोई साथ में सब कंट्रीज ने मिलकर लगाया था, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए थे, वर्ल्ड बैंक ने किसी पे लगा दिया, मान लो IMF पे किसी ने लगा दिया। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है लिस्ट बनाती है, G7 कंट्रीज़ की जो लिस्ट आती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 का ही है एक इंस्टीट्यूशन, तो जैसे सेक्शंस वो लगाना शुरू कर देती है जैसे कोई ब्लैक लिस्ट में आता है। तो या तो वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए या नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए या इंटरनेशनल लॉ को बचाने के लिए या जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति को एक खतरा और जो सिक्योरिटी को जो एक खतरा है उसको रोकने के लिए सब किए जाते हैं, सेक्शंस लगाए जाते हैं। सेक्शंस मतलब क्या, इकोनॉमिक ट्रेड रोक दो, कल्चरल रेस्ट्रिक्शन लगा दो, उसके लोग यहाँ नहीं जा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, उसके मिलिट्री यहाँ नहीं जा पाए, लोन वगैरह नहीं मिले, तो फिर अगर उनका ऑब्जेक्टिव मीट होता है तब उनको हटा दिया जाता है। और UN सिक्योरिटी काउंसिल जो आपका है जिसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर्स हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स आपको याद होने ही चाहिए, US, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, ठीक है। तो UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसके एक, इसका एक मैंडेट है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है यहाँ पे सेक्शंस अप्लाई करने पड़ेंगे
जो कि सारे यूएन मेंबर स्टेट्स पे बाइंडिंग है। मतलब एक बार यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर लगा दिया एक बार, तो सारे मेंबर स्टेट्स को उसकी पालना करनी पड़ेगी। और इससे जो है एक तरीके से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो खतरा है उसको रोकने का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। कई बार सेक्शन जो है लगते नहीं है, कई बार लग जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाता, कई बार जो है सेक्शन लगने के बावजूद भी कंट्रीज काम करती रहती हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। ये तो मैंने सेक्शन बता दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मैं बताऊंगा इंडिविजुअल कंट्रीज के द्वारा। जैसे यूएसए, जिनको कहते हैं यूनिलेटरल सेक्शन, एक तरफा, मल्टीलेटरल मतलब सारी कंट्रीज ने मिलकर लगाया, बायलेटरल मतलब दोनों आपस में दोनों ने लगा दिया। जैसे इंडिया चाइना ने मिलकर आपस में सेक्शन, इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर आपस में जो है अटैक के बाद, जो अभी पुलवामा अटैक के बाद जो है इन्होंने सेक्शन लगा दिए थे, जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और कई बार जो हुआ है इनमें हमने जो है यूनिलेटरल एक्शन जो है लगाए थे, यूनिलेटरल सेक्शन एक दूसरे पर लगाए थे, बायलेटरल सॉरी, दो कंट्रीज आपस में लगाए तो बायलेटरल। यूनिलेटरल सेक्शन जैसे यूएसए ने लगा दिया ईरान पे, नॉर्थ कोरिया पे, रशिया पे, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए ये लगाए जाते हैं। इसमें इकोनॉमिक कोर्शन यानी उनके ट्रेड को रोका जाता है और उसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए उनको रोका जाता है, वार का उनको जो है धमकी दी जाती है। तो कई तरह के सेक्शंस लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन, जैसे कि भारत जो कहता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया। मिलिट्री सेक्शन हो गया कि इसकी मिलिट्री जो है यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगी। डिप्लोमेटिक की भाई इनको जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन में इनको आउट करो, ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड मत होने दो, इनकी पावर कम कर दो। इकोनॉमिक तो आप जानते ही हो, ट्रेड रोक दो। यूनाइटेड स्टेट जो है कोई भी सेक्शन लगाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको हर कंट्री पालन करेगी, लेकिन ऐसा कह सकता है कि जो भी सेक्शन का पालन नहीं करेगी वो हमसे ट्रेड ना करें, हमसे बिजनेस ना करें, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। तो एक सीधी सीधी ये बात हो गई कि हमारे साथ खड़ा रहना है तो हमारे सेक्शन का पालन करना पड़ेगा। ईरान ने कुवैत का इन्वेजन किया था पहले, यूएन ने इराक पे सेक्शन लगा दिए थे, तो वो इसलिए लगाए थे ताकि जो है किसी तरीके से रोका जा सके। और आपके लिए क्या जानना जरूरी है, अब जैसे यूएस ने ईरान पे लगा रखा है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में जो डील हुई थी ईरान न्यूक्लियर डील, उससे हटने के बाद ईरान ने ईरान भी ऊपर सेक्शन लगा रखा है। ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, कोविड-19 की भारी है झेल रहा है, उसके बावजूद भी इस पर सेक्शन लगाए हुए हैं। तो एक तो इकोनॉमिक स्थिति की खराब, सोशल स्थिति की खराब, ऊपर से कोविड-19, तो इस टाइम पर सेक्शन लगाने हटाने चाहिए ना, हटाने चाहिए। तो ये जो सेंक्शंस हैं इनको हटाने चाहिए ताकि जो है यहाँ पे इनको कोविड-19 से और पैंडेमिक से लड़ने में मदद मिल जाए। जैसे ट्रंप ने काटसा जो यूएसए का एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट, अभी क्वेश्चन आया था एक पेपर में, मैं भूल गया मैं कौन सा एग्जाम था, तो मैं था कि काटसा इज रिलेटेड टू यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, तो यूएसए, यूएसए का एक्ट है जिसमें इसने रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो कि इसके एडवर्सरीज हैं, दुश्मन हैं एक तरीके से, इस एक्ट के डेफिनेशन के अगर मैं जाऊं तो उन पे सेक्शंस लगा रखे हैं। ऐसे तो कई कंट्रीज हैं जिन पे सेक्शन लगा रखे हैं यूएस ने और कई कंट्रीज ने मिलके, जैसे बेलारस, म्यांमार, क्यूबा, इराक, ईरान, सीरिया, सूडान, जिम्बाब्वे और काफ़ी सारी कंट्रीज। म्यांमार में तो जो है रोहिंग्या के प्रोसिक्यूशन के लिए लगाया गया है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी अलग अलग वजह हैं, अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सेक्शंस जो लगते हैं, ये अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए का जो है डिपार्टमेंट है वो मैनेज करता है और टारगेट करता है कंट्रीज़ को, इंडिविजुअल्स को, सेक्शन देखता है लगाने चाहिए हटाने चाहिए। अब लॉसेस की मैं बात करूँ तो कंट्री पे जिन पे सेक्शन लगा हुआ है ऐसा कोई अनुमान तो है नहीं कितना नुकसान उनको झेलना पड़ेगा, हालांकि सेक्शन रेस्ट्रिक्शंस अगर हटा दिया जाए तो इनको वापस एक नई सांस मिलेगी, नई जिंदगियां मिलेगी। जो ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है अभी जिसमें यूएसए के सबसे ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, मासिव रिसोर्सेज का यहाँ पे आदान प्रदान करना पड़ेगा। साथ ही साथ कंट्रीज जो हैं अगर उन पर सेक्शन हट जाए तो उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में हेल्प आसानी से मिल जाएंगी, और जो कंट्रीज जिन्होंने इन पे सेक्शन लगाया है उनको कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसा देना पड़ेगा सेक्शन हटाने के लिए, ना कोई उनको असिस्ट करना पड़ेगा, मत करो असिस्ट, लेकिन सेक्शन तो हटा दो ताकि तुम्हारे पास नहीं तो किसी और के पास जाए। यूएसए अगर ईरान से सेक्शन हटा देगा तो कम से कम ईरान चाइना के पास तो जा सकता है, जा ही रहा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसी कोई कंट्री जिन पर सेक्शन लगाया गया और वो काम नहीं कर पा रही, उस पर सेक्शन हटा दो तो कम से कम उसकी जिंदगी तो बचेंगी। G20
क्योंकि अभी जरूरी है मासिव रिसोर्सेज का आदान प्रदान। ठीक है, G20 मीटिंग हुई, G20 के कोई परमानेंट सेक्रेटरी आर्ट तो है नहीं, हेडक्वार्टर तो है नहीं, और पेंडेमिक चल रहा है, लाइव कॉन्फ्रेंस हुई, चेयरमैन थे किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, सजेशन दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने कि सेक्शन वगैरह हटाओ यार, ये अभी समय नहीं है इसको, थोड़ा मल्टीलेटरल जो बायलेटरल जो सेक्शन है इन दोनों को लिफ्ट करो, सोचो। क्योंकि कोर्ट मिस्टर चलचिल का याद आता है, नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, एक अच्छे क्राइसिस को बर्बाद मत होने दो। विंस्टन चर्चिल, एक कोट आप याद कर लो, पैंडेमिक से रिलेटेड, नेचुरल कैलमिटी से रिलेटेड, या ऐसी क्राइसिस है जिसमें कुछ फ़ायदा हो, जैसे अब सरकार वल्नरेबल पीपल पे ध्यान दे रही है, खाने पीने के सामान पे ध्यान दे रही है, हेल्थ पे ध्यान देगी, तो कुछ क्राइसिस है जो कि एक अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, जैसे लोग अब इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे, तो एक कोट आप वहाँ डाल सकते हो, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, पर डालना आपको इंट्रोडक्शन में, ध्यान रखना है ना, कोर्ट जो आपको इंट्रोडक्शन में डालना है। अच्छा, ये ट्रायल एंड टर्मोलर जो है इसराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं। शिफ्ट टू अपस्केलिंग फूड रेशनिंग नाउ, देखो बात हो रही है किस तरीके से किन किन कंट्रीज ने मिलके ऐसे समय में जो है खाने का जो है यहाँ पे खाना उपलब्ध कराया था गरीबों को, और क्या क्या हमने किया, और क्या क्या विदेशों, क्या क्या जो है देश, अलग अलग देशों ने मिलके पेंडेमिक्स के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे किया। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे ब्रिटेन की बात हो रही है कि ब्रिटेन में क्राइसिस आया था 1940 के टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया था, जिस तरीके से इन्होंने खाना बांटना शुरू किया था लोकल ग्रेसरी स्टोर पे, शुगर, एग्स, बिस्किट, फूड, मीट, सीरियल्स, हर तरह की चीज़ें इन्होंने बांटनी शुरू की थी। क्राइसिस था, युद्ध था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे लोगों की इनकम गिरती, लोगों की यहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम गिरती, लेकिन ये देखा गया उसके बावजूद भी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी जो है एवरेज यहाँ पे लाइफ, कितने यहाँ पे लोग एवरेज लाइफ कितनी जीते हैं। तो कुल मिला के जैसे भारत के कई करीब 62-67 है, मुझे याद नहीं है, चेक कर लेना। तो वार के टाइम पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर यूके की बढ़ी है, इसका मतलब उसने खाना इस तरीके से दिया कि क्राइसिस का उपयोग उसने अपनी पॉपुलेशन को हेल्थी और नरिश्ड करने में किया। इंडिया में भी 1942 की बात करूँ तो राशनिंग जो है 6 सिटीज में शुरू हुई थी, ये याद कर लेना, जिस पेपर वन हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव से मालाबार पहला रूरल एरिया था जिसने राशनिंग को इम्प्लीमेंट किया था 1943 में। तो 1942 में 6 सिटीज़ में आई थी, लेकिन रूरल एरिया में मालाबार फर्स्ट था 1943। रिपीट कर देता हूँ, 6 सिटीज़ 1942, सिटीज़ रूरल एरिया मालाबार। फिर 60 तक आते आते अपना पीडीएस सिस्टम आ गया, राशन दुकानों वाला। फिर जो धीरे धीरे हमने क्राइटेरिया शॉर्ट करना शुरू कर दिया, सरकार ने कहा कि नहीं गरीबों को देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन देंगे, रूरल हाउस होल्ड में देंगे, रूरल हाउस होल्ड में देंगे, ऐसा हम जो है छाँटने लग गए फिर लोगों को। स्टेट्स के वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग हैं, कोई कैसे देता है कोई कैसे देता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड का है वो हर जगह हो ही रहा है। चाइना में क्राइसिस के टाइम पे प्राइवेट कंपनियों को इसने ले लिया, प्राइवेट स्टोर्स को इसने ले लिया, सीरियल्स को इसने ले लिया। देखो मैं एक एक वर्ड इस आर्टिकल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपके यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा, आपकी केवल समझ बढ़ाने के लिए आपको आर्टिकल में ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। तो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम किया, राइस, फ्लोर, ऑयल्स, हर जगह इन्होंने जो है हर तरीके से जो है खाना जो जरूरी है, वेजिटेबल्स, वो इन्होंने बांटा। भारत में जो अनाउंस हुआ है उसमें कुछ, जैसे भारत में जो अनाउंस हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो सरकार ने जो अनाउंस किया है वो कम बता रहे हैं यहाँ पे, जो क्योंकि जो ICMR हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जितना रिक्वायरमेंट प्रॉपर होता है खाने का उससे कम तो यहाँ पे भारत सरकार दे रही है, तो ज़्यादा करना चाहिए। और कुछ ही यहाँ पे फ्री है, मतलब 2 रुपये में जो है गेहूँ आएगा, लेकिन 10 किलो तक, जहाँ तक मुझे याद है 5 किलो, पता नहीं क्या 5 किलो, अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो फ्री है। शुरू में तो आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, मामूली पैसा, लेकिन देना तो पड़ेगा। राइटर कह रहे हैं उनको फ्री करो ना, 2 रुपये भी क्यों लेते हो, फ्री करो। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पे कुक्ड फूड जो पका हुआ भोजन है शहरों में उसकी व्यवस्था कराओ, ड्राई फूड हो, कुक्ड फूड हो, और रूरल एरिया में जो है फ्री कर दो, और ये चेक करो कि लोग मिलजुल ना जाएं इस चक्कर में, ऐसा नहीं हो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है यहाँ पे लोग जो है वायरस को ना फैला दें। RBI's गन्स ब्लूम, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हरकत में आया फटाफट, फाइनेंशियल सिस्टम को जो है रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थ क्राइसिस तो 1-2 महीने में रुक जाएगा, इसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा वो बहुत खतरनाक आने वाला है।
और नौकरियां जाएंगी, नौकरियां जा चुकी हैं। तो आरबीआई को यहां पे हरकत में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। आरबीआई जो है काफ़ी सही तरीके से इसने मीटिंग की और अच्छे से काम किया इन्होंने, क्योंकि जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने जो मेजर्स अनाउंस किए वो सिस्टम की लिक्विडिटी को सस्टेन बनाए रखने के लिए जरूरी है। लिक्विडिटी यानी पैसा का फ्लो होता रहे, पैसा रुक ना जाए। तो यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो को अगर हम देखे चलें कि भाई कंट्री जो है कुछ हफ्ता में अगर इन वायरस को पूरी तरीके से हटा देती है, तो मेजर्स जो हैं इस तरीके से अनाउंस किए गए हैं कि कुछ सप्ताह में एक बार वायरस हट जाता है तो यहाँ पे लोगों को हेल्प मिलेगी। पर मान लो नहीं हटता तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये तो केवल एक शुरुआत है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और भी मेजर जो हैं वो लेने वाले हैं। क्राइसिस जैसे जैसे बढ़ेगा गवर्नमेंट आगे आती जाएगी, क्योंकि एक क्राइसिस ऐसा है जो कि आज तक कभी आया नहीं इतना खतरनाक। तो आरबीआई के स्टेप्स बिल्कुल वही हैं जो जरूरत थे, बिल्कुल जिसकी ज़रूरत थी। सेंट्रल बैंक हमारा खुद का आरबीआई लोगों की बातों को सुना समझा, ग्राउंड लेवल पे इसने जो है हरकत की और मेजर्स अनाउंस किए जो कि वाकई में लोडेबल यानी काबिले तारीफ़ है। कट किया इसने रेट, रेपो रेट कट करना स्वाभाविक है। आपको पता है जब रेट कट करते हैं, जब रेपो रेट जो कि आरबीआई जो है एक तरीके से जो कमर्शियल बैंक जाते हैं आरबीआई के पास पैसा लेते हैं और आरबीआई जो इंटरेस्ट मांगता है उन पे, वो जो इंटरेस्ट है वो रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट उनका होता है कि जब कमर्शियल बैंक खुद अपना पैसा जाके देते हैं, तो रेपो रेट जब कम करते हैं तो कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो कम रेपो रेट मतलब कि उनको कम ब्याज में पैसा मिल रहा है और बदले में वो जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर्स को कम ब्याज में लोन ऑफर करेंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट भी कम आई है। तो क्रेडिट कट करने से लोगों को लोन सस्ता मिलता है, लोन सस्ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए भागते हैं। ज़्यादा लोन, ज़्यादा फ्लो, ज़्यादा लिक्विडिटी, ज़्यादा बिजनेस, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। लेकिन हमारी इन्फ्लेशन अभी है ही नहीं, मंदी चल रही है अभी क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस भी काफ़ी कम है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आधे हैं, तो इसलिए रेट कट कर सकते हैं। रेट कट किए गए कल और ज़रूरी था। ऐसा तो है नहीं कि अब बिल्कुल एकदम से जो है लिक्विडिटी आ जाएगी, क्योंकि बैंक क्या करते हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे जो रेपो रेट वगैरह है कम करने के बावजूद भी अपने कस्टमर्स को कम रेट में लोन नहीं देते क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एम्प्लॉई की सैलरी वाइज और ऑपरेशनल वाइज बढ़ी हुई रहती है। तो आरबीआई ने हमेशा यहाँ पे कोशिशें की हैं कि कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई ने जितनी रेपो रेट कम की उसके मुताबिक ही रेपो रेट अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करें, ठीक है। यही नहीं बल्कि आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी अनाउंस किए। देखो रेपो रेट 1 से 14 दिन के लिए होती है, ठीक है, लोन वगैरह जो है रेपो रेट, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होती सेम है रेपो रेट की जैसे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 3 साल के लिए, 1 से 3 साल के लिए जो है यहाँ पे लोन उठा सकते हो आप। कुल मिला के आरबीआई ने सब कुछ करके 3.74 लाख करोड़ का जो है यहाँ पे लिक्विडिटी का, यहाँ पे जो फैसिलिटी है पूरा अनाउंस किया। और बेसिकली देखे तो अच्छी चीज़ है क्योंकि आरबीआई भी मदद को आ रहा है और यहाँ पे लोन्स में भी जो है कुछ इंटरेस्ट का यहाँ पे छूट दिया गया, मॉरेटोरियम अनाउंस किया गया, तो ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट कट रेपो रेट से ज़्यादा है। रिवर्स रेपो रेट में जो कट किया गया वो रेपो रेट से ज़्यादा है। अब एक तो रिवर्स रेपो रेट आपको पता है जिसमें आरबीआई खुद लोन लेता है कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक जो फिर ब्याज लेते हैं आरबीआई से, जो इंटरेस्ट लेते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट कम होगी रेपो रेट से तो इसका मतलब ये होगा रिवर्स रेपो रेट में कट काफ़ी ज़्यादा किया यानी गिरावट आई रेपो रेट से, तो इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट जो है बिल्कुल नीचे ले गए रेपो रेट के मुकाबले। तो रिवर्स रेपो रेट कम करने का मतलब ये है कि बैंक जो है आरबीआई को आके पैसा ना दें कि भाई आरबीआई को आके पैसा दे दो ब्याज मिल जाएगा बहुत अच्छा, कस्टमर्स को लोन देने की जरूरत, इसलिए रिवर्स रेपो रेट को बिल्कुल कम किया गया, रेपो रेट को बढ़ाया गया ताकि यहाँ पे आरबीआई से उल्टा बैंक लोन ले। 15 बेसिस पॉइंट का अगर यहाँ पे कट किया जा रहा है रिवर्स रेपो रेट में, रेपो रेट से 15 बेसिस पॉइंट ज़्यादा कट किया गया है। ऐसे तो ओवरऑल मुझे ध्यान नहीं न्यूज़ में कितना था, लेकिन बेसिस पॉइंट क्या होता है मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। अच्छी शुरुआत है आरबीआई की, फटाफट जो सिचुएशन इवॉल्व होएगी जाते जाते समझ लो बेसिस पॉइंट क्या होता है। 1 बेसिस पॉइंट में 0.01% होती है, यानी मैं अगर 10% 10 बेसिस पॉइंट की बात करूँ तो 0.1% हो गया।
जब एक बेसिस पॉइंट में 0.01 है तो 10 बेसिस पॉइंट में 0.10 हो गया, 15 बेसिस पॉइंट में 0.15 हो गया, 35 बेसिस पॉइंट में 0.35 हो गया, 100 बेसिस पॉइंट में 1% हो गया, है ना। तो याद रख लो, टेलीग्राम पे मैं इसकी टेबल पोस्ट कर दूंगा, अगर आपको व्यू कन्फ्यूजन हो रही है तो तब देख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया बेसिस पॉइंट। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।